गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी आ चुके हैं पटना जू। तो फाइनली पटना जू पहुंच चुके हैं। चलते हैं टिकट वगैरह लेते हैं। 30 रुपये टिकट और 10 रुपये बच्चों का। पार्क के अंदर बॉटल वगैरह नहीं जाएगा, ये अपना टिकट है। गाइस फाइनली अंदर आ चुके हैं। पहले आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर का मैप, जिससे आसानी होगी। तो ये है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना का मैप। देखिए अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। कहीं बाहर ही टॉय ट्रेन है अंदर वाले ट्रेन। जू के अंदर ये बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी भी चलती है, जिसका किराया का दाम पर व्यक्ति 30 रुपये है। पूरा गाड़ी बुक करने पे 300 रुपये लगेगा और 1 घंटा में घुमा देगा। रिजर्व करिए पे 300 रुपये। भेड़िया पहले जो जानवर दिखा वो भेड़िया है, जो एंट्री करते ही दिख गया। भेड़िया 3 दिख रहा है, एक बैठा हुआ है, 2 टहल रहा है। तुम कुत्ता की तरह लग रहा है भेड़िया। सो गाइस अभी दिख रहा है तेंदुआ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये है ये चिंपांजी का बाड़ा है। गाइस चिंपैंजी तो दिख गया, चलते हैं आगे थोड़ा। तो ये गिद्ध है, गिद्ध कल्चर। तो सिंह जी तो नहीं है, सिंह के बाद शायद डेन के अंदर होगा। यहाँ पे दिख रहा है शेर। तो इधर भी दिख गया। तो 2 या 3 शेर में से 2 तो दिख गया, एक तो थोड़ा सा क्लियर दिखा, एक दिखा नहीं और एक बहुत हल्का सा दिखा। बात तो दिख गया, चलते हैं सांप घर। सांप घर में सांप देख लेते फिर आगे निकलेंगे। ये है सर्प ग्रह। अजगर दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, है बड़ा सा, बहुत मोटा है ये। चिल्ली छोड़ा हुआ है यहाँ पे, आजकल खिचली है यहाँ पे। वही साहब यहाँ पे भी है, भयंकर भयंकर आजकल।
सेंट बुआ सांप है ये, यहाँ पे है एकदम। ये है पानी के जिस बगल में, एकदम मिट्टी में मिल गया। वाइपर रसेल भी है पर दिख नहीं रहा है कहाँ पर। अलमीरा में, और इसका भोजन भी आ चुका है, चूहा। ओ भाई साहब, दौड़ा रहा है पूरा उसको। आज पहली बार देखा इस तरह से कुछ। चलिए गाइस, ये कोबरा है, रसेल वाइपर नहीं है, रसेल वाइपर तो है ही नहीं। तो चूहा वहाँ पे है और उसके नीचे सांप है। फिलहाल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मिल नहीं रहा है उसको। बहुत ही बड़ा अजगर, अब तक का सबसे बड़ा अजगर मैंने देखा, इससे बड़ा आज तक मैंने नहीं देखा था। भाई साहब, और भयंकर यार, ये तो सबसे विशाल अजगर, उससे भी बड़ा। दो दो है इसमें। ये विशाल है और नॉन विशाल है, नॉन वेनमस। देख लिए सांप घर, आगे निकलते हैं। अभी हमको दिख रहा है देसी भालू, ये है अपना देसी भालू। देसी भालू इधर है, भालू उधर, देसी भालू इधर, भालू ये सामने। ऑस्ट्रिच आ गया, ये मेल है, फीमेल ऊपर है। ये इमू का पिंजरा था, फिलहाल तो इमू नहीं है। जानवरों के बाद अब पक्षियों की बारी। सिल्वर पिजेंट, सारे चिड़िया हैं इसी तरह। मैना, पहाड़ी मोर, मैना देखना, पहाड़ी मैना लिखा। दूध बिलाओ एंड टच माय एनक्लोजर। आप इंजॉय कर रहे होंगे, चलते हैं आगे थोड़ा। फाइनली देखने को मिला, सो गाइस ये नील गाय है। चलिए स्पॉटेड डियर दिखाते हैं आपको, झुंड के झुंड।
भयंकर भयंकर सिंह है यार। ये बारह सिंगा ही है, ये वो चीतल था, ये बारह सिंगा है। क्या सीन है बारह सिंगा का भाई। तो वह जेब्रा दिखाते हैं, काफी दिन बाद देख रहे हैं। यह है दरियाई घोड़ा, निकल नहीं रहा भाई। कितना देर तक सांस रोक सकता है ये। सो फाइनली घोड़ा से इसका मुंह दिख गया है, दरियाई घोड़े का। तीन पिंजड़े में है, बाकी सब तो विश्राम कर रहा है। थोड़ा सा बाहर निकला, पब्लिक तो बहुत आई है भाई। तो अभी चलते हैं ब्लैक बर्ड, देखा जाए कहाँ पर है। कृष्ण मृग, ये है अपना ब्लैक बर्ड कृष्ण मृग। तो गाइस काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। अच्छी बात है कि मशरूम वगैरह सब अवेलेबल है, बट एक डिसएडवांटेज है कि आप पानी की बोतल वगैरह लेके नहीं आ सकते हैं, और ये बाहर ही जमा हो जाएगा एंट्री पे जहाँ पे टिकट लिया था। बाकी बीच बीच में यहाँ पे अंदर नल वगैरह है जिससे ठंडा ठंडा पानी आता है, पी सकते हैं आप। आगे चलते हैं। सुबह सरोवर दिख गया, इसमें बोटिंग वगैरह हो रहा है। तो गैस जिराफ देखने को मिल रहा है। तो गैस घर में है राइनो, ये हो आपको हल्का सा दिख गया होगा। अंदर है, थोड़ा सा जूम किया है। घर में होगा बेटा, दीवार के बगल में वही है लकड़ी पक्का। तो अब चलते चलते हाथी देखते हैं, लगभग एंड पे ही आ चुके हैं जू के। हाथी का बाड़ा है, अंकल बैठे हैं वहाँ पे, और ये हाथी है। थोड़ा और पास चलते हैं। ये हाथी, इंडियन एलिफेंट। महावत साहब उधर बैठे हैं। गजा। तो चलते चलते फाइनली गैंडर दिख गया, डबल है, दो दो घंटा दो सिंह वाला। वापस अभी हाथी वगैरह देख के आ रहे हैं, चल रहे हैं वापस। बीच पीछे ये सरोवर है। और तो गाइस होप आपको पूरा ब्लॉग में मज़ा आया होगा। यही था अपना पटना जू का ब्लॉग। तो अब निकलते हैं बाहर और ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और गाइस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।